Good afternoon class, let's continue with the type of third type of distillation process, that is steam distillation. So steam distillation is a distillation which is used for the temperature sensitive material or the material that are decomposed at high temperature. ठीक है, तो steam distillation उन materials के लिए use किया जाता है जो temperature sensitive होते हैं. अगर आप उन्हें हीट करोगे बॉइलिंग टेम्परेचर तक, जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है, अगर वहां तक आप उसे हीट करते हैं, तो ऐसे मटेरियल अगर हीट करने पे खराब हो जाते हैं, तो उन मटेरियल के सेपरेशन के लिए जो डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज किया जाता है, दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन. ओके, सो इन स्टीम डिस्टिलेशन बाई एडिंग वॉटर एंड स्टीम, वी जनरली डिप्रेस द बॉइलिंग पॉइंट और लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट. ठीक है, तो स्टीम और वाटर को ऐड करके हम क्या कर रहे हैं स्टीम डिस्टिलेशन में, जो भी कंपाउंड है जिसका भी सेपरेशन करना है, उनके बॉइलिंग पॉइंट को ही हम कम कर दे रहे हैं. जो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट है उस एक्चुअल से नीचे कर देते हैं, ताकि वो अपना सेपरेशन भी कर पाए और हाई जो उनका एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट है वहां पहुंचने से पहले ही उनका सेपरेशन हो जाए. यहाँ तक क्लियर हुआ? जो लाइन बताइए यहाँ क्लियर हो गया है. बेटा आवाज आ रही है? आप लोग को आवाज आ रही है? यस मैम. यस मैम. ठीक है, तो मेनली डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, तो जब ये कंडीशन आती है, ये कंडीशन कब आती है, जब आपका जो भी लिक्विड है जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है. बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसे मटेरियल है, अगर आप उन्हें बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करेंगे तो क्या होगा, वो खराब हो जाएंगे. तो क्या कर सकते हैं, अगर हम उनके एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई ऑयल है, टर्पीन ऑयल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 160 डिग्री है. ठीक है, अगर हम 160 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट को किसी तरह सप्रेस कर दें, उसका बॉइलिंग पॉइंट कर दें 100 डिग्री, तो क्या होगा, उसका सेपरेशन भी इजिली हो जाएगा और अपने जो उसका एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट है वहां तक पहुंचने से पहले ही उसका सेपरेशन हो जाएगा. ठीक है, तो हम बॉइलिंग पॉइंट को कैसे सप्रेस कर सकते हैं, एक ही कंडीशन होती है कि अगर हम उसमें कुछ भी ऐसे कंपोनेंट ऐड कर दें जो अपना वेपर प्रेशर कंपोनेंट के साथ ऐड, मतलब मिक्स करने के बाद जो एक्चुअल जो टोटल वेपर प्रेशर है, अगर वो किसी तरीके से हम मैनेज कर लें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल कर दें, तो क्या होगा, कोई भी लिक्विड बॉइल करना शुरू कर देगा. ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर परफॉर्मिंग एनी डिस्टिलेशन प्रोसेस इज when vapor pressure is equal to the atmospheric pressure, जब ये condition आती है liquid boil करना शुरू कर देता है. ठीक है, and it is not necessary कि वो जो component है उसका boiling point आए तभी ये condition achieve हो. तो इस condition को बनाए रखने के लिए या लाने के लिए हम कुछ चीजों को add करते हैं जिस वजह से जो vapor pressure है atmospheric pressure के equal हो जाए. ठीक है, clear हुआ? यस मैम. ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई बहुत भारी सी बोरी उठानी है, ठीक है, तो एक पर्सन उस बोरी को नहीं उठा सकता है, लेकिन अगर उस बोरी को दो लोग पकड़ के उठा लेंगे तो वो बोरी जल्दी उठ जाएगी और काम आपका इजली हो जाएगा. ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप लिक्विड कंपोनेंट को किसमें लेते हैं, स्टील के अंदर रखते हैं. ठीक है, तो अगर आप लिक्विड कंपोनेंट को हीट करते हैं तो वो वेपर प्रेशर जनरेट करते हैं. ठीक है, अगर हम उसी स्टील में अगर कोई चीज ऐड कर दें, मान लीजिए स्टीम ऐड कर देते हैं, तो स्टीम क्या होती है, भाप होती है, उसमें भी कुछ प्रेशर जनरेट हो रहा होगा. ठीक है, तो वो भी अगर प्रेशर किसी तरीके से स्टील के अंदर आ जाए तो क्या होगा, दो प्रेशर मिलके क्या बन जाएंगे, टोटल पार्शियल प्रेशर हो जाएगा. जो वेपर प्रेशर है जो हमें चाहिए, कितना चाहिए, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 mmHg. ठीक है, मान लीजिए बिफोर एडिंग स्टीम जो वेपर प्रेशर हीट करने, लिक्विड को हीट करने पे अगर एग्जर्ट हो रहा है, मान लीजिए 100 mmHg. ठीक है, अगर आपने फिर उसमें स्टीम को ऐड किया तो क्या होगा,
स्टीम भी अपना कुछ प्रेशर देगा, मान लीजिए वो जो प्रेशर दे रहा है मान लीजिए 70 है, ठीक है 70 mmHg है, तो जब टोटल कर रहे हैं तो कितना हो गया 170 mmHg हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका लिक्विड हीट हो रहा था उसे 70 mmHg एक्स्ट्रा प्रेशर मिल गया है स्टीम के थ्रू, तो क्या हो रहा है उसे कम हीट अब जरूरत पड़ेगी वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली कंडीशन में आने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही उस अंदर के स्टील का जो वेपर प्रेशर है 760 mmHg हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, लिक्विड क्या करेगा बॉयल करना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे ही वो बॉयल करना शुरू करेगा इट कन्वर्ट इनटू द वेपर्स, ठीक है। देन दीज वेपर्स आर गोज इनटू द कंडेंसर एंड आफ्टर कंडेंसर रीच टू द रिसीवर, ठीक है। ये आपका स्टीम डिस्टिलेशन होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। बेटा क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टीम आपका क्या कर रहा है दूसरे हाथ का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे बोरी में आपने एक बोरी मतलब एक इंसान बोरी पकड़ रहा था तो स्टीम क्या हो गया दूसरा इंसान हो गया है, दोनों मिल के वेपर प्रेशर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जैसे ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया है बॉयल करना शुरू हो गया, बॉइलिंग शुरू हो गई लिक्विड की, एंड देन कन्वर्जन हो जाएगा मतलब जो लिक्विड है कंडेंसर में पहुंचेगा देन कंडेंसर से रिसीवर में पहुंचेगा, ठीक है। तो स्टीम डिस्टिलेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिस्टिलेशन फॉर द टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल लाइक नेचुरल एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड यूज फॉर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर टेंड टू डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर, ओके। सो बाय एडिंग और वॉटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड्स आर डिप्रेस्ड allow them to evaporate at lower temperature, ठीक है, preferably below the temperature at which the deterioration of material become conducted or appreciable, ठीक है। मतलब ये होगा कि अब जो distillation, steam distillation के अंदर जो heating हो रही है वो उस temperature पे होगी जहाँ पे product easily separate हो सकता है, heating करने पे उस material के ऊपर कोई effect नहीं पड़ रहा है, ठीक है। If the substances to be distilled are very sensitive to heat, then steam distillation is conducted with vacuum distillation. ठीक है, वैक्यूम डिस्टिलेशन मीन्स होता है ऐसा डिस्टिलेशन जिसमें आप अंदर का जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसी को आप कम कर दे रहे हो, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं मतलब प्रेशर को और कम कर दे रहे हैं, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ स्टीम and it is used for the separation of highly boiling point substances from the non-volatile impurities, okay. So a mixture of immiscible liquid begin to boil when their vapor pressure is equal to the atmospheric pressure, theek hai. Koi bhi liquid boil karta hai tab kab karega jab uska vapor pressure atmospheric pressure ke equal ho jaye, theek hai. तो यहाँ पे स्टीम को इंट्रोड्यूस करके जो वेपर प्रेशर वाली कंडीशन है इक्वल टू वाली जो कंडीशन है उसे हम जल्दी से जल्दी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्लियर हो गया है स्टीम डिस्टिलेशन का? यस मैम। ओके, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टीम डिस्टिलेशन इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टीम कैन, एक स्टीम कैन होता है हैविंग अ टू होल्स, वन होल इज यूज फॉर मेंटेनिंग द प्रेशर दैट इज जनरेटेड इनसाइड द कैन एंड सेकेंड होल इज यूज फॉर बेंड ट्यूब, ठीक है। सो वन साइड ऑफ द बेंड ट्यूब अटैच टू द स्टीम केन एंड अनदर साइड ऑफ द ट्यूब इज अटैच टू द स्टील, ठीक है। तो जो स्टीम केन है उसमें दो होल्स होते हैं, एक होल होता है जो वेंट की तरह काम करता है जो अंदर के प्रेशर को मेंटेन, जो स्टीम केन के अंदर का प्रेशर है उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर इस प्रेशर को मेंटेन नहीं किया जाएगा तो एक्सपोजन हो सकता है, वहां पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे अवॉइड करने के लिए सेकेंड होल जो वेंट की तरह यूज किया जा रहा है फॉर मेंटेनिंग द प्रेशर इनसाइड द केन, ठीक है। और जो सेकेंड ट्यूब है वहां पे एक बेंड ट्यूब अटैच की जाती है, ये जो बेंड ट्यूब होती है जो स्टीम केन से अटैच की जाती है, एक साइड स्टीम केन से अटैच होता है
एंड सेकेंड एंड स्टिल से अटैच होता है, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ बेंड ट्यूब जो स्टीम बन रही है स्टीम केन के अंदर वो ट्रांसफर होती है स्टिल के अंदर, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ स्टीम केन विद अ कॉर्क हैविंग टू होल्स, इन वन होल सेफ्टी ट्यूब इज अटैच विच मेंटेन द प्रेशर एंड सेकेंड होल इज टू द सेकेंड होल अ बेंड ट्यूब इज अटैच which carries the steam to the flask, okay, which containing the volatile liquid and some water, okay. So bent tube must dip almost to the bottom of the flask. जो bent tube होता है उसका जो end होगा जो still में जाएगा वो flask के bottom तक जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो surface पे ही रहे, still के bottom तक जो bent tube है उसका pipe जाना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार structure दिखा रही हूँ, structure दिख रहा है सबको बेटा, स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है? यस मैम, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर में देखोगे जो राइट लेफ्ट साइड में जो स्ट्रक्चर है जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टिल बना हुआ है, स्टिल में एक पाइप दिया हुआ है सेफ्टी ट्यूब, ठीक है, और एक पाइप जो दिया है जो कनेक्ट हो रहा है कंडेंसर से। तो जो सेफ्टी ट्यूब वाला पाइप है वो नीचे तक जा रहा है जैसा मैंने मेंशन किया था कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। सो In case of steam distillation, steam cane having a two holes, one for the vent and one for the bent tube. Second, working. Beta construction clear हो गया है? Beta construction एक बार फिर से बताना पड़ेगा. Yes, ma'am. एक बार repeat कर दीजिए. देखिए. यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो फिगर दिख रहा है, फिगर सबको दिखाई पड़ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, देखिए अगर इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में एक सिलेंड्रिकल टाइप का एक बना हुआ है कंटेनर, ठीक है। दिस सिलेंड्रिकल शेप टाइप कंटेनर इज यूज फॉर द स्टीम, ठीक है। स्टीम में दो वेंट दिए हुए हैं, वन फॉर द सेफ्टी पर्पज, जहाँ पे लिखा हुआ है सेफ्टी ट्यूब, एंड सेकेंड इज कनेक्टेड टू द स्टिल। यहाँ पे देखो एक इंक्लाइन वे में एक स्टिल बना हुआ है, दिख रहा है? Yes. कंपाउंड टू बी डिस्टिल, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ कंपाउंड टू बी डिस्टिल, यहाँ पे जो स्टिल है वो इंक्लाइन वे में रखा गया है, ठीक है। उसमें देखिए एक पाइप है जो अंदर तक जा रहा है और जो सेकेंड पाइप है जो आपका जो स्टिल है उसमें दो होल्स हैं, वन फॉर द बेंड ट्यूब एंड सेकेंड फॉर द कंडेंसर, ठीक है। एक जो है उसमें बेंड ट्यूब आ रहा है एंड सेकेंड कंडेंसर कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, और कंडेंसर से आपका रिसीवर कनेक्ट हो रहा है। दिखाई पड़ रहा है सबको? यस मैम। ये जो पूरा पिक्चर है इसी तरीके से स्टीम डिस्टिलेशन का एपरेटस बनाया जाता है, ठीक है, असेंबल किया जाता है। यस मैम। मैम कुछ बैचमेट्स मैम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक्सेप्ट करने से। ओके, चलिए वर्किंग ऑफ द स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम केन एंड द फ्लास्क कंटेनिंग द लिक्विड आर हीटेड साइमल्टेनियसली, रैपिड करंट ऑफ स्टीम पासेस थ्रू द बॉइलिंग मिक्सचर एंड प्रेजेंट इन द फ्लास्क, द वेपर्स आर अलाउड टू पास थ्रू द कंडेंसर एंड कंडेंसर्स लिक्विड आर कलेक्टेड इनटू द रिसीवर दैट इज यूज्ड इन द स्टीम डिस्टिलेशन इज कॉल्ड एज फ्लोरेंटीन रिसीवर, ठीक है। ये जो फ्लोरेंटीन रिसीवर होते हैं ये स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं फॉर द नॉन मिसेबल लिक्विड्स के लिए, ठीक है, क्योंकि जो स्टीम डिस्टिलेशन है वो यूजली उन लिक्विड्स के लिए यूज किया जाता है जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो बाय यूजिंग द फ्लोरेटीन रिसीवर क्या होता है, इस रिसीवर में दो टाइप की लेयर्स बनती हैं, इन लेयर को अलग अलग कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो स्टीम डिस्टिलेशन के केस में जो रिसीवर यूज किया जाता है इट इज कॉल्ड एज फ्लोरेंटीन रिसीवर, ठीक है। तो स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है,
स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, जो आपका स्टिल है जिस लिक्विड का सेपरेशन करना है, लिक्विड मिक्सचर का, उसे उसमें रखा जाता है। साइमल्टेनियसली बगल में उसके एक कंटेनर होता है जिसमें स्टीम को रखा जाता है, वाटर को रखा जाता है, दोनों की हीटिंग साइमल्टेनियसली की जाती है, एक साथ की जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, लिक्विड की हीटिंग हो रही है प्लस वाटर की हीटिंग हो रही है, तो जैसे जैसे वाटर की हीटिंग शुरू हो जाएगी उसमें से स्टीम बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्टीम है, स्टीम जनरेटर से निकलते हुए बाय द हेल्प ऑफ वेंट ट्यूब एंटर होती है स्टील के अंदर, ठीक है। तो जब आप किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो अपना कुछ वेपर प्रेशर वहां पे क्रिएट कर रही है, ठीक है। मान लीजिए जो भी लिक्विड आपने स्टील के अंदर डाला है उसका वेपर प्रेशर मान लीजिए अभी हो गया है 100 या 110, ठीक है। तो स्टीम जब इसके अंदर आना शुरू हो जाएगी तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा वेपर प्रेशर जनरेट होगा, जो किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू दी स्टीम, ठीक है। तो जैसे जैसे स्टीम आपके स्टिल में आना शुरू होगी, स्टिल के अंदर का जो वेपर प्रेशर है जो पहले 110 था वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है वेपर प्रेशर, ये तब तक इंक्रीज होता रहेगा जब तक ये जो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीम क्या कर रही है, स्टीम यहाँ पे एक्स्ट्रा वेपर प्रेशर क्रिएट करने में हेल्प कर रही है जिससे लिक्विड की बॉइलिंग जल्दी शुरू हो जाए, ठीक है। तो जैसे लिक्विड की बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, आपकी जो लिक्विड कंपोनेंट है उनका सेपरेशन भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जो लिक्विड का कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल नेचर का होगा वो पहले एस्केप करेगा और सबसे पहले कंडेंसर में पहुंचेगा, एंड आफ्टर कंडेंसर फ्लोरेटिन रिसीवर में पहुंचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो कम वोलेटाइल है वो उसके बाद कंडेंसर में पहुंचेगा एंड देन रीच टू द फ्लोरेटिन रिसीवर, ठीक है। ये आपकी वर्किंग है स्टीम डिस्टिलेशन की, ठीक है, क्लियर हो गई है बेटा। स्टीम जनरेटर का क्या पर्पस है? हाँ बेटा, मैम कुछ लोग वेटिंग में है, उनको ज्वाइन कर लीजिए। बेटा आपके क्लास के बच्चे क्लास खत्म होते तक ज्वाइन करते रहते हैं तो हम कब तक ऐड करते रहेंगे? हम काफी देर से वेट कर। चलिए, स्टीम डिस्टिलेशन की वर्किंग क्लियर हो गई है? यस मैम। यस, ठीक है। सो फ्लोरेंटीन रिसीवर टू टाइप्स के होते हैं। वन इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑयल। जब आपका ऑयल हैवियर होता है वाटर से तब फर्स्ट टाइप का फ्लोरेंटीन रिसीवर यूज करते हैं, एंड सेकेंड टाइप का फ्लोरेंटीन रिसीवर तब यूज करते हैं जब आपका ऑयल लाइटर होता है वाटर से, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट पिक्चर देखोगे, यहाँ पे मैंने दो रिसीवर के डिजाइन यहाँ पे पिक्चर पेस्ट किए, दिख रही है सबको बेटा? पिक्चर दिखाई पड़ रही है? Yes, ma'am. तो इसमें नीचे लिखा हुआ है जो सेकेंड टाइप का फ्लोरेंटीन रिसीवर है, इट इज यूज्ड व्हेन ऑयल इज हैवियर देन द वाटर, ठीक है। जब आपका ऑयल हैवियर होगा वाटर से तब सेकेंड टाइप जो पेस्ट किया है पिक्चर वो फ्लोरेंटीन रिसीवर यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आपका ऑयल इज लाइटर देन वाटर देन फर्स्ट टाइप जो फर्स्ट फिगर है उस टाइप का फ्लोरेंटीन रिसीवर हम यूज करेंगे, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है सबको? यस मैम, ठीक है। तो फ्लोरेंटीन रिसीवर डिपेंड करता है कि ऑयल आपका हैवी है और लाइट है, ठीक है। द रिसीवर यूज फॉर ऑयल हैवियर देन वाटर हैज टू टेप्स, द टैप फिटेड नियर द बॉटम ऑफ द वेसल इज यूज फॉर कलेक्टिंग द ऑयल, whereas tap fitted near the top of the vessel is used for the water, ठीक है। अगर आप पिक्चर को देखोगे यहाँ पे जो फ्लोरेंटीन रिसीवर है उसमें दो लेयर्स बनेंगी, एक आपकी क्योंकि इसमें जो लिक्विड यूज किए जाते हैं लिक्विड मिक्सचर वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब फ्लोरेंटीन रिसीवर में जब पूरा मटेरियल आके कलेक्ट हो जाएगा तब दो लेयर बन जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू द ऑयल हैवी है कि लाइट दो लेयर्स आपकी फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टू आउटलेट पॉइंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू दी कि आपका ऑयल हैवी है कि लाइट है, ठीक है। वन टैप इज यूज फॉर द ऑयल एंड वन टैप इज यूज फॉर द वाटर, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है? यस मैम, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट द स्टीम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन।
Distillation is used for separating the immiscible liquids, for example, water and toluene. Extraction is done at lower temperature to protect from the decomposition without loss of aroma. Okay. Second application, it is used to extract the volatile oils like clove, anise, eucalyptus oil. Third application, steam distillation is used for the purification of essential oil like almonds oil. Fourth, it is used for camphor distillation. Fifth, it is used for the aromatic preparation, aromatic water preparation. So these are the application in which steam distillation method is used. ठीक है, clear हो गया सबको steam distillation? Yes ma'am. ठीक है, last type of distillation जो आपके course में mention किया गया है वो है आपका vacuum distillation. वैक्यूम डिस्टिलेशन प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर. ठीक है, अंडर रिड्यूस प्रेशर मतलब हो गया है जैसे आपका जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है 760 mmHg, उसमें क्या कर रहे हैं, उसे बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया है. ठीक है, मतलब अब जो डिस्टिलेशन प्रोसेस कैरिड आउट किया जा रहा है उस केस में जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो आपका 100 mmHg हो गया. मतलब 760 से पूरा ड्रॉप करके कितना कर दिया है, 100 mmHg. ठीक है, तो अगर 100 mmHg कंडीशन को अचीव करने के लिए किसी भी लिक्विड को हीट करने का जो टाइम है वो कम लगेगा. ठीक है, सो वैक्यूम डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर द कंपोनेंट्स दैट आर थर्मोलेबाइल इन नेचर. ठीक है, ऐसे कोई भी लिक्विड मिक्सचर जो थर्मोलेबाइल नेचर के होते हैं अगर उनका सेपरेशन करना है उनके केस में वैक्यूम डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज किया जाता है बाय यूजिंग वैक्यूम. ठीक है, क्लियर हुआ बेटा ये लाइन? बच्चा क्लियर हुआ? यस मैम. प्रिंसिपल एक बार फिर प्रिंसिपल बता. ओके, सो वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन को हम एक और नाम है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर. मतलब अंडर रिड्यूस प्रेशर मतलब प्रेशर जब बहुत कम होगा तब डिस्टिलेशन प्रोसेस जो परफॉर्म किया जा रहा है उसे हम कहेंगे वैक्यूम डिस्टिलेशन. ठीक है, वैक्यूम मतलब क्या होता है, अगर जो आपका मतलब अगर कहीं भी बोला जाए वैक्यूम, इस एरिया में वैक्यूम है तो क्या बोला जाएगा, वहां का प्रेशर बहुत कम है, यही yes, बोला जाता है. तो यहाँ पे भी सेम चीज है. अगर आपने देखा होगा सिंपल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में जो यूनिट होती है वो पूरा एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है. ठीक है, और उसके अंदर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कितना होता है, 760 mmHg. ठीक है, तो जब आपका वेपर प्रेशर 760 mmHg एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है लिक्विड की बॉइलिंग शुरू हो जाती है, यही होता है फिजर. ठीक है, तो वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या कर रहे हैं, जो पूरी डिस्टिलेशन यूनिट के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है 760 mmHg उसी को हमने रिड्यूस कर दिया है. कितना रिड्यूस कर दिया है, मान लीजिए 100 mmHg कर दिया. ठीक है, तो ये जो प्रेशर है 760 के कंपैरिजन में 100 mmHg बहुत कम प्रेशर है. ठीक है, तो अगर आप किसी लिक्विड की हीटिंग करेंगे तो 100 mmHg प्रेशर को अचीव करने में उसे कम टाइम लगेगा. कम टाइम लगेगा, यस मैम. ठीक है, वहीं पे अगर मान लीजिए किसी लिक्विड को 760 mmHg करना पड़े तो क्या उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा, उसकी हीटिंग भी बहुत देर तक करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ऐसे लिक्विड मिक्सचर जो थर्मोलेबाइल नेचर के होते हैं मतलब टेम्परेचर के साथ अगर आप उसे ज्यादा देर तक रखेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज खराब हो जाती हैं. अगर ऐसे लिक्विड का अगर सेपरेशन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर जो डिस्टिलेशन यूनिट है उसी के अंदर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अगर हम उसे कम कर दें तो लिक्विड को बॉयल करने के लिए जो कंडीशन चाहिए होती है वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो अचीव करने में उसे कम टाइम लगेगा और कम हीटिंग की जरूरत पड़ेगी. यस yes, समझ yes, में आया? यस. ठीक है, तो एक मोटा मोटा समझ लीजिए किसी भी डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है लिक्विड का बॉयल होना. ठीक है, कोई भी लिक्विड बॉयल करना तभी शुरू करता है जब लिक्विड का जो वेपर, जो लिक्विड वेपर प्रेशर लगा रहा है और जो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो जब इक्वल हो जाता है लिक्विड शुरू होना शुरू हो जाता है, लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है. ठीक है,
लिक्विड को बॉयल करने के लिए हमें क्या जरूरत है? वेपर प्रेशर की. ठीक है, वेपर प्रेशर हम कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं? अगर हम स्टीम अगर इंट्रोड्यूस कर दें तो हमारा वेपर प्रेशर जल्दी आ जाएगा, या फिर अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही कम कर दें तो हीटिंग कम लगेगी और वेपर प्रेशर जो चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल वो जल्दी आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया? यस मैम. ठीक है, तो वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या करते हैं? वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम डिस्टिलेशन यूनिट के अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 उसको बहुत कम कर देते हैं. मान लीजिए सपोज 100 कर देते हैं. ठीक है, 100 mmHg कर देते हैं. तो इस वैक्यूम को मतलब वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए या इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं मैनोमीटर. ठीक है, तो वैक्यूम डिस्टिलेशन के लिए वैक्यूम यूज किया जाता है, वैक्यूम को अप्लाई किया जाता है एंड वैक्यूम प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं मैनोमीटर. ठीक है, ये जो मैनोमीटर होता है ये रिसीवर में अटैच किया जाता है जो पूरे यूनिट के प्रेशर को मेजर करता है कि अंदर का प्रेशर कितना है. ठीक है, यस मैम. तो द प्रिंसिपल ऑफ द वैक्यूम डिस्टिलेशन इज व्हेन लिक्विड बॉयल व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, अगर हम इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस एंड देयरफॉर लिक्विड स्टार्ट बॉयल एट लोअर टेम्परेचर. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया है? यस मैम. ठीक है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्टीम में हम क्या कर रहे थे? वेपर प्रेशर को बढ़ाने में स्टीम अपना हेल्प कर रहा था. ठीक है, यहाँ पे वैक्यूम में क्या कर रहे हैं? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी को इन्होंने कम कर दिया. ठीक है, दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आ गया है? यस मैम. ठीक है, सो फॉर परफॉर्मिंग द वैक्यूम डिस्टिलेशन यहाँ पे जो स्टिल यूज किया जाता है उसे कहते हैं क्लिंजन फ्लास्क. ओके, सो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर इज कैरीड आउट बाय द स्पेशली डिजाइन ग्लास एपरेटस नोन एज क्लिंजन फ्लास्क. ठीक है, तो जो ये क्लिंजन फ्लास्क होता है और स्टिल होता है इट इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड हैविंग टू नेक्स. दो नेक्स होती हैं, वन नेक इज यूज्ड फॉर द थर्मामीटर एंड वन नेक इज यूज्ड फॉर अटैचिंग द फॉर ज्वाइनिंग द कंडेंसर. ठीक है, जो एक नेक होता है उसमें एक थर्मामीटर को अटैच करते हैं और जो सेकेंड नेक होता है उसमें कंडेंसर को अटैच करते हैं. ठीक है, सो साइड नेक कैरीड आउट नोन एज क्लिंजन फ्लास्क हैविंग टू नेक द मेन नेक ऑफ विच इज फिटेड विद अलॉन्ग विद द कैपिलरी ट्यूब एंड साइड नेक इज फिटेड विद द थर्मामीटर. सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, फिर से बता दूंगी. The side tube is connected to the condenser, carried a receiver at the other end, and the receiver is attached to the vacuum pump to reduce the pressure. ठीक है, the pressure is measured with the help of manometer, water bath or oil bath is used for heating. ठीक है, मैं इसका डायग्राम दिखा रही हूँ, वैक्यूम डिस्टिलेशन का डायग्राम दिख रहा है सबको? Yes. ठीक है, तो अगर आप वैक्यूम डिस्टिलेशन का डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे येलो कलर का जो वैक्यूम है, यहाँ पे आप देखोगे जो क्लिंजन फ्लास्क है उसे एक येलो कलर के एक कोई कंटेनर है उसके अंदर रखा गया है. दिख रहे हैं? यस मैम. ठीक है, ये जो येलो कलर का कंटेनर है ये आपका वाटर बाथ हो सकता है या ऑयल बाथ हो सकता है. ठीक है, सो फॉर परफॉर्मिंग वैक्यूम डिस्टिलेशन ऑयल बाथ यूज किए जाते हैं या वाटर बाथ यूज किए जाते हैं. ठीक है, क्लिंजन फ्लास्क को डायरेक्टली हीटिंग नहीं दी जाती है, उसे पहले बाथ के अंदर रखा जाता है और जो ये बाथ होता है चाहे वाटर बाथ हो चाहे ऑयल बाथ इसे हीटिंग की जाती है. ठीक है, अब क्या होता है जो क्लिंजन फ्लास्क है इसमें अगर आप देखोगे दो नेक बने हुए हैं, एक नेक में कैपिलरी ट्यूब ऐड की जाती है, सेकेंड नेक में से कंडेंसर अटैच होता है और उसी नेक में थर्मामीटर को फिट किया जाता है. ठीक है, कंडेंसर को अटैच करने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे रिसीवर साइड में वैक्यूम को क्रिएट किया गया है, वहीं पे डिवाइस ऐड की जाती है मैनोमीटर.
जो इस पूरी यूनिट के अंदर का जो प्रेशर है उसे मेजर करने में हेल्प करती है। ठीक है, क्लियर हुआ डायग्राम? यस मैम। ठीक है, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो क्या करते हैं, जिस भी मटेरियल की हीटिंग करनी है, जो भी थर्मोलेबाइल मटेरियल है उसे क्लेंजिंग फ्लास्क में रखा जाता है। अब इस बाथ को वाटर बाथ में या फिर ऑयल बाथ में कोई भी एक बाथ लेके उसके अंदर रखा जाता है। ठीक है, फिर इसकी हीटिंग शुरू की जाती है। ठीक है, हीटिंग करते समय एक चीज ध्यान रखा जाता है, जो अंदर के मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल जो भी मटेरियल उसका बॉइलिंग पॉइंट है मान लीजिए 210 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जब इस वाटर बाथ या ऑयल बाथ की हीटिंग जब शुरू करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो 20% ज्यादा होगा, जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा रखा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा जो आपके हीटर्स होते हैं उसमें आप लोग एक टेम्परेचर डालते हो, 60, 70, 80 ऐसे करके फिट करते हैं उसमें टेम्परेचर। यस मैम। क्या आप लोगों ने वाटर बाथ देखा है ना सबने? यस मैम, यस मैम। वाटर बाथ में आप सब लोग एक टेम्परेचर उसमें डालते हैं ना, 70, 60, 80 जो भी टेम्परेचर प्रिस्क्राइब किया जाता है वो टेम्परेचर आप उसमें फिट करते हैं। यस मैम। ठीक है, तो वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या होता है, मान लीजिए क्लिंजन फ्लास्क के अंदर का जो मटेरियल है उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या करेंगे, जिस वाटर बाथ में उसे रखा गया है या ऑयल बाथ में रखा गया है जब उसका टेम्परेचर सेट करेंगे तो +20 ऐड करके उसका टेम्परेचर रखा जाएगा। ठीक है, मतलब अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वाटर बाथ में जो टेम्परेचर सेट किया जाएगा वो आपका होगा 220 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, पहली चीज क्लियर हुई? बेटा क्लियर हुआ? यस मैम। लास्ट लाइन फिर से बताइए। देखिए थोड़ा सा इमेजिन करना होगा, मान लीजिए जो क्लेंसन फ्लास्क के अंदर का जो मटेरियल है उसका बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, आपने उस मिक्सचर को क्लेंसन फ्लास्क में डाल दिया। ठीक है, अब इस फ्लास्क को आप किसके अंदर रखोगे, ऑयल बाथ के अंदर। ठीक है, ऑयल बाथ में अब आप उसमें एक टेम्परेचर सेट करेंगे ना, तो जो टेम्परेचर मान लीजिए टेम्परेचर कौन सा सेट करोगे, अगर आपका अंदर का जो मटेरियल है लिक्विड मिक्सचर अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट 200 है तो जब आप ऑयल बाथ में उसे सेट करोगे टेम्परेचर तो +20 करके सेट करोगे, मतलब अगर 200 है तो 220 सेट करोगे। यस मैम। ठीक है, ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि ऑयल बाथ की जब हीटिंग शुरू होगी उसके बाद अंदर का मटेरियल की हीटिंग शुरू होगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया है ताकि हीटिंग थोड़ा जल्दी शुरू हो पाए, आपका जो ऑयल है वो हीट जल्दी शुरू हो, उसकी हीटिंग जल्दी। समझिए मैम, समझ। ठीक है, अब जब अंदर क्लेंजिंग के जो टेम्परेचर सेट करने के बाद क्या होगा, अंदर के लिक्विड की हीटिंग शुरू होगी। ठीक है, तो जब आप उसकी लिक्विड की हीटिंग शुरू करते हैं तो वेपर प्रेशर अंदर का क्रिएट होने लगता है। ठीक है, तो एक टाइम आएगा जब वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां पे क्या होगा, लिक्विड बॉयल करना शुरू कर दे। ठीक है, तो बॉयल जब कोई भी लिक्विड करते हैं तो क्या होता है, उसमें बम्पिंग होती है, उछलता कूदता है, तो उछलने कूदने की वजह से बबल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इन बबल्स को या जो ड्यूरिंग बम्पिंग क्या होता है, कई बार झाग भी निकलता है। ठीक है, तो इस झाग की फॉर्मेशन को रोकने के लिए कैपिलरी ट्यूब को ऐड किया गया। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब क्या करती है, कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से क्या होती है, एयर की एक स्ट्रीम अंदर डाली जाती है। ठीक है, तो एयर स्ट्रीम डालने से क्या होता है, जो आपके फ्रोथ फॉर्मेशन हो रही है वो नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होता है, जो कैपिलरी ट्यूब है इट प्रिवेंट दी फ्रोथ फॉर्मेशन दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग दी बम्पिंग ऑफ दी लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, ये लाइन क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पे बम्पिंग खत्म, मतलब वेपर प्रेशर आपका इक्वल टू एटमोसफियर प्रेशर के हो गया है, लिक्विड बॉइल करना शुरू हो गया है, अब ये जो लिक्विड है कन्वर्ट होगा वेपर में, वेपर्स पहुंच जाएंगे कंडेंसर में एंड कंडेंसर से रिसीवर में पहुंच जाएंगे। ठीक है,
तो ये वैक्यूम डिस्टिलेशन का वर्किंग है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें की जा रही है वैक्यूम डिस्टिलेशन में। फर्स्ट, बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दिया गया है, जिस वजह से लिक्विड की बॉइलिंग जल्दी शुरू हो रही है, ठीक है। सेकेंड, बाय द हेल्प ऑफ कैपिलरी ट्यूब, जो फ्रोथ फॉर्मेशन होती है इनसाइड द क्लेंजिंग फ्लास्क, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं? यस, ठीक है। सो वर्किंग, द लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड इज फिल्ड इनटू द क्लेंजिंग फ्लास्क, द वैक्यूम इज अप्लाइड एंड हीटिंग ऑफ द कंटेंट इज कैरीड आउट, ओके। द टेम्परेचर राइजेज एंड गेट वेपराइज रैपिडली ड्यू टू द वैक्यूम, द वेपर पासिस थ्रू द कंडेंसर एंड कंडेंस एंड इज कलेक्टेड इनटू द रिसीवर, द टेम्परेचर इज नोटेड विच इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। ड्यूरिंग डिस्टिलेशन बम्पिंग एंड फॉर्म फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इज अकर एंड इट इज प्रिवेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ स्ट्रीम ऑफ एयर बबल थ्रू द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। क्लियर हो गई वर्किंग? यस मैम। सो वैक्यूम डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेटेड थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस एंड इट इज यूज्ड फॉर इवेपोरेशन ऑफ द मेंस्ट्रम इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट। थर्ड, दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, ठीक है। ये आपके चार डिस्टिलेशन प्रोसेस हैं जो आपके कोर्स में मेंशन किए गए हैं, ठीक है। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया है? बेटा वैक्यूम डिस्टिलेशन क्लियर हो गया है? इसमें आपका एक पार्ट और बचा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके ओके मैम।